हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी या यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 89 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट ऑप्शन करंट अफेयर्स 2022 में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस किया है, साथ में जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड, वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे सरकार की नई ई कॉमर्स जो आपके इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ई दुकान ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की चुनौती यहाँ पे बढ़ेंगी और दुकानदारों के लिए किसके लिए खोली गई है और क्या फायदे इंडियन जो भी आपके छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे, साथ में ही लास्ट में आपके क्विक रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि मैक्सिमम पॉसिबल इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात की जाए कि छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने नई ई कॉमर्स एक दुकान खोली है जिसका नाम है ONDC। ONDC के फुल फॉर्म की बात की जाए तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका नाम रखा गया है। विल हेल्प लोकल कॉमर्स इन अ वैरायटी ऑफ कैटेगरी। तो वैरायटी ऑफ कैटेगरी में ये लोकल कॉमर्स जो होगा उसके लिए हेल्प करेगी। भाई बात की जाए इसकी आवश्यकता गवर्नमेंट को क्यों पड़ी, ई कॉमर्स सेगमेंट में फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों के दबदबे को चुनौती देने के लिए सरकार ने एक नई तरह की ई दुकान ONDC खोली है। अभी इसे पायलट बेसिस पे 5 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात की जाए सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सरकार को अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का ख्याल कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे आया था। उस दौरान सरकार को कई लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था, तभी यहां से गवर्नमेंट के मन में ख्याल आता कि इस तरह एक सरकारी एजेंसी होनी चाहिए एक तरह जो कि आपका इस तरह जब पेंडेमिक के टाइम पे या अन्य किसी सिचुएशन में उसका यूज किया सके। तो इसी से सरकार से इस तरह का ओपन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनवाने पर विचार आया। तो यहाँ से ई कॉमर्स ई ONDC का जो है वो आपका यहाँ पे जो ये आइडिया आया था वो इंडिया वो आपका सरकार को आया था। इससे फायदा क्या होगा, इससे देश के उन करोड़ों छोटे दुकानदारों को लाभ होगा जो अभी तक ई कॉमर्स इकोसिस्टम का सिस्टम नहीं है। तो देखिए अभी ई कॉमर्स पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन इन पर रजिस्टर करने के लिए अभी यहाँ इन पर जो रजिस्टर है वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पे रजिस्टर जो कि लोकल एरिया में जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिससे कि यहाँ पे जो है इनका वर्चस्व ई कॉमर्स कंपनीज का वर्चस्व है। तो इसी को खत्म करने के लिए जो है सरकार ने अपनी खुद की ई दुकान लॉन्च की है जिसको कि ओपन डिजिटल कॉमर्स नाम दिया गया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नाम दिया गया है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसके कुछ खास पॉइंट्स और देखते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जो आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज किया जाएगा, इट विल बी लॉन्च्ड इन 5 सिटी 5। इसको 5 सिटीज में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है, दिल्ली NCR, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर, यहाँ पे जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कंज्यूमर कैन पोटेंशियली डिस्कवर एनी सेलर। किसी भी यहाँ पे कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, कंज्यूमर किसी भी सेलर से यहाँ पे सामान खरीद सकता है प्रोडक्ट या सर्विस बाय यूजिंग एनी ONDC कंपेटिबल एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म, थस इंक्रीजिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर। तो इससे क्या होगी, जो आपका कंज्यूमर है उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को इंक्रीज होगी, जिससे कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे यहाँ पे सेलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। तो यहाँ पे जो होगी वो इसके फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी कंज्यूमर के लिए, ये इसका एक फायदा है। कैसे काम करेगा ONDC असल में एक तरह की ओपन रजिस्ट्री होगी जिसपे छोटे से छोटा दुकानदार अपने आप को इस पर रजिस्टर कर सकेगा और ये ई कॉमर्स सेगमेंट के मानवीकरण लाने वाला होगा। इसका फायदा ये होगा कि किसी रिटेलर को ऑनलाइन मार्केट में सामान बेचने के लिए खुद को अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं करना होगा, एक
कंबाइंड ई कॉमर्स होगा जहां से कि इसको रजिस्टर किया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी ग्राहक को कुछ खरीदना होगा तो वह अपने इलाके में इस ओपन रजिस्ट्री पर रिटेलर को पहले चेक करेगा, चेक करते ही नहीं चेक करेगा, और इतना ही नहीं ग्राहक को एक और फायदा होगा कि यदि वह अपने ऑर्डर को अलग अलग करके भी मंगा सकता है, तो ये खुद से और खुद से डिलीवरी का ऑप्शन भी चुन सकता है। तो यहाँ से कुल मिलाकर जो फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर, ये बहुत बड़ा फायदा होगा कंज्यूमर के लिए। तो ये ऑल अबाउट था सरकार के द्वारा खोली गई ONDC, जो कि सरकार की ई दुकान है, जिससे कि आपके फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिए काफी चुनौतियां यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड बन सकते हैं। सबसे पहले तो बात की जाए सरकार के द्वारा खोली गई ई कॉमर्स कंपनी का क्या नाम है, तो इसका नाम आएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC इसका नाम रखा गया है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कितने शहरों में इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है, तो ये अभी इंडिया के 5th शहरों में, 5 शहरों में जो है आपका इंडिया में लॉन्च किया गया है। दिल्ली, दिल्ली NCR, बेंगलोर, भोपाल, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है 5 शहरों में। ये टोटल 5 शहर है जहाँ पे कि इसको लॉन्च किया गया है, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो आपके पॉइंट्स याद रखने और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट था सरकार की खोली गई ई दुकान ONDC के बारे में। ONDC का फुल फॉर्म जो है वो आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। हमने ONDC के बारे में यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में यदि कोई वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।